फ्रेंड्स आपका स्वागत है बाइक लाइफ में। तो आज की वीडियो होने वाली है एक्टिवा 3G के ऊपर। एक्टिवा 3G के ऊपर क्या होने वाली है, मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लच की पुली के ऊपर, तो उसमें आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया था और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो हो जाए पूरी प्रॉपर क्लच के ऊपर, किस तरीके से हमने काम करना, किस तरीके से नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हमारा इजीली काम हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो फटाफट से खोलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको फाइनली। क्लच खोल लिया है इसका, तो ये देख सकते हो इसकी क्या है ना सील भी लीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ऑयल वगैरह आ रही है, ती वाली हम सील भी डालेंगे और पहले जो है ना इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ क्लच हमने क्यों खोला और किस प्रोपस से खोला, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका वाइब्रेटर और रोलर, तो ये देख सकते हो ओफो रोलरों की हालत, ये चेक करो गाइस इसका रोलर कितना बुरी तरीके से कट चुका है। रोलर एक ये कट गया, यानी कि इसके जो रोलर है ना सारे रोलर कटे पड़े हैं। तो ये जो है ना बुरी तरीके से धड़धड़ा रही थी और इसमें क्या था ना बिल्कुल भी पिकअप भी नहीं था। तो ये देख सकते हो, मैं एक बार सारे निकाल लेता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो कुछ जो रोलर हैं वो बुरी तरीके से कट रखे हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये चेक करो, ये वाले की तो सबसे गंदी हालत हो रखी है। तो क्लच जो हमने इसी वजह से खोला था, ये जो थी ना बहुत धड़धड़ा रही थी। वो तो वाइब्रेटर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वाइब्रेटर ख़राब नहीं है, इसके जो है रोलर वगैरह ख़राब है। तो रोलर डालेंगे और इसके क्लच वगैरह भी सही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसको अच्छे से रिपेयर करेंगे, ज़्यादा खर्चा हमने करना नहीं है, कम काम में और अच्छी तरीके से पिकअप लाना है और स्ट्रॉन्ग करनी है। स्कूटी जो है ना एक्सीटर देते ही खड़ी हो जाएगी और मज़ा आएगा। इसकी दिखाएंगे आपको फाइनल रिजल्ट और बिल्कुल स्मूथ करके ही इनमें ग्रीसिंग करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो हमने जो है ना इसमें ग्रीसिंग कर ली और अब देखते हो कितनी आसानी से डल रहा है। और ये देखो कितना स्मूथली चल रही है ये सब। एक बार और चला के दिखाना इस टॉन, ये देखो एक ये देखो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया ना ये। अब पिकअप भी जो है ना इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डबल और पिकअप ख़तरनाक होने वाला है। तो इसको जो है ना हम ऐसे ही पैक कर लेते हैं, फिर हम फाइनल फिट जब फिट करेंगे क्लच को तो जब आपको दिखाएंगे। तो चलो थोड़ी देर फाइनली इसको फिट कर लेते हैं। तो ये पुली का बोल्ट लगाते हैं, आसानी से लग जाएगा। ये वाला जो नट है ना ये हमेशा इधर की साइड से ही चूड़ी में टाइट करें, यानी कि इधर से नहीं इधर से टाइट करें। तो इधर से ही टाइट करते हैं, अगर ये टाइट वाइट हो गए ना जैसे चूड़ी चढ़ाते हुए तो ये टेढ़ा चढ़ रहा है, क्योंकि इसकी जो चूड़ी होती है वो बारीक चूड़ी होती है। तो इसको करो फिट और फिर ये इसकी चाबी, इसको टाइट करते दें और फिर फाइनली फिट करेंगे जब दिखाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली हमने सामान वगैरह धो लिया इसका, ये सामान रहा और ये रहा इसका क्लच। ये देख सकते हो अच्छे से हमने क्लीन कर लिया एक एक चीज़। और इसकी ये वाली सील जो है ना हम अब चेंज करेंगे, पहले हमने इसलिए नहीं करा था क्योंकि जो इसकी क्लच की गंदगी होती ना वो सारी अंदर इंजन के अंदर चली जाती, तो इसलिए अब इसको खोलेंगे और सील पहले डालेंगे। तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये खुल गया, अब सील निकालते हैं। इसकी सील हम किस तरीके से निकालते हैं ये देख सकते हो आप प्रोसेस। तो इसमें डालो पेचकस बस और ऐसे ही एक साइड में घुमा दो। ये हमारी सील आ चुकी है वापसी में, सील ले ली हमने नई सील। तो नई सील बिठाते हैं इसमें और ये अंदर डालेंगे इस तरीके से, और ये एक साइड ये ले लेंगे ऐसे और इस तरीके से आ गई। दोनों साइड से ना प्रॉपर दबाना बराबर, ये देख सकते हो। और ये सील ठुक रही है इसकी इजीली, हल्के हल्के इस पर चोट लगा दी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो फाइनली अपनी सील प्रॉपर तरीके से ठुक चुकी है। बार ये क्लच को फिट करने की, तो चलो फटाफट से फिट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वाइब्रेटर, जो कि ये है वाइब्रेटर, ये देख सकते हो ये भी अच्छे से क्लीन कर लिया हमने। और हल्की ग्रीस भी लगानी बिल्कुल ना के बराबर, ऐसा लगा हमने ग्रीस लगाई ही नहीं। तो हमने क्या करना है, बस इतना इतना छूना है चारों तरफ। ये भी ज़्यादा ग्रीस है मगर हमारी गोली जो है ना हल्की सी मतलब सूखी ना हो, क्योंकि हमारा वाइब्रेटर जो है ना पुराना है ये,
नया होता तो हम बिल्कुल भी इसमें ग्रीस नहीं लगाते। तो ये ग्रीस अपनी लग चुकी है और अब लगाएंगे इसका रोलर। रोलर हमें किस तरीके से लगाना है, ये हमें डालना है इस तरीके से, पहला, ये दूसरा, और ये आ गया हमारा तीसरा, और ये आ गया चौथा, और ये आ गया हमारा पांचवा, और छठा हमने खो दिया ये आएगा। तो ये लग गया। तो इसको ना हल्के से इस तरीके से प्रेस कर लें, क्योंकि अब ये देख रहे हो रोलर जो है अपना ऐसा महसूस हो रहा है, अपना ग्रीस लगा ही नहीं। कुछ क्या करते हैं, ग्रीस ज़्यादा भर देते हैं। तो अगर हम ज़्यादा ग्रीस लगा देंगे इसमें पिकअप वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा स्कूटी में। तो ये हमने इस तरीके से इतना ना के बराबर ग्रीस लगाया, फिर इनको हम नचा लेंगे, क्योंकि हो गया अपना कंप्लीट। अब इसमें आपको बिल्कुल ऐसे महसूस नहीं हो रहा ग्रीस लगाया। अगर आप इस पर कपड़ा भी फेर दोगे ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपना ग्रीस हल्का हल्का ना के बराबर लग चुका है। और मेन इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आप इसका बुश लगाओ तो इसके बुश में जो ये वाला होल है ना, इसमें हल्का सा ग्रीस लगा लेना ज़रूर। जैसे कि ये मैंने इतना ग्रीस ले लिया कि हम इसमें लगा दें, ये ना कि बिल्कुल ही भर के लगाना है बिल्कुल। अब भर के लगाओगे तो अब बाहर से बाहर ही निकल जाएगा ये। तो ये लग गया। तो फ्रेंड्स ये इसका बुश, ये हमने लगाना है इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो ग्रीस आएगा ना ऊपर, हम उसको ईजिली साफ भी कर लेंगे। ये हमने लगानी है इस तरीके से, ये हम इस तरीके से लगा देंगे, तीन होती हैं ये। और अपना वाइब्रेटर ये, तो ये ऐसा कर लो फेस, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे लगा दो। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। और ये तो हम लगाएंगे इसको कुछ इस तरीके से अपना वाइब्रेटर। तो ये हमारा वाइब्रेटर लग गया। अब बारी है इसकी बेल्ट की, तो हम बेल्ट लगाएंगे इसकी। एक बार हम चेक कर लेते हैं बेल्ट हमारी सही है ख़राब है। तो हमारी बेल्ट जो है ना बिल्कुल ओके है, कहीं से भी ख़राब नहीं है। तो बेल्ट भी हम पुरानी लगाएंगे। तो ये रही इसकी बेल्ट, तो ये लगा देंगे पहले इस तरीके से। बेल्ट लगा दी हमने, और ये आ गया अपना तवा, इसको हम तवा बोलते हैं, रोटी बनाने का तवा। ये आ गया तवा, ये इसकी पत्ती, और रैचिड जो कि हमारा किक से स्टार्ट करता है। तो ये आ गई इसकी वॉशर, ये आ गया इसका 22 नंबर का नट। तो स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और स्टेप पुली को भी बिठा दें, पुली को हम किस तरीके से बिठाएंगे, ये हमको ऐसे दबा लेनी है इस तरीके से, एक हाथ से रोक लो, या फिर ये ऐसे लगा के ये इस तरीके से खींच लो। ये अपनी पूरी पुली बैठ चुकी है, तो ये अब हम इसको इस तरीके से फिट कर देंगे। तो ये अपनी पुली फिट हो चुकी है, ये भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल कहीं भी कटा हुआ है नहीं। तो इसको भी ऐसे लगा देते हैं कि वॉशर जो कि है ये, इसका 19 नंबर का नट जो कि है ये। तो ये अब फाइनली इनको टाइट कर देते हैं, तो एक मिनट बने रहें। तो फ्रेंड्स ये अब टाइट करते हैं, पहला 19 नंबर वाला, ये हमारा टाइट हो गया, और ये हो गया हमारा 22 नंबर वाला। ये हो चुका हमारा कंप्लीट। फाइनली जो है ना इसका कवर फिट कर लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बैंडेज लग गई, मंदिर लग गया, तो ए टू जेड सारी चीज़ लग चुकी हैं। अब लगाते हैं इसका क्लच कवर लगाते हैं। तो गाइस ये इसका क्लच कवर, ये भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, और अब इसको करते हैं फिट। और ये लो स्टैक डाउन, फाइनली जो है क्लच फिट हो चुका है। और इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगो, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं किसी मस्त वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।